अभी प्रधानमंत्री जी बोले हैं ना, सब कोई को नारा कैसे लगाना है, बोले भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, वीर नारायण सिंह, वीर नारायण सिंह, रानी दुर्गावती, वीरांगना रानी दुर्गावती, शंकर सा रघुनाथ सा, सबला जोहार। और आज बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, जब आज हमर देश और दुनिया का सबले लोकप्रिय नेता और हमारा आदिवासी समाज कर देश के इतिहास में पहली बार इतना चिंता करैया ऐसा हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर हमारे समाज आज समाज पूरा हाथ उठा करके ओकर अभिनंदन करे, बोले नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी को जय जोहार। आप लोग बोलिएगा जय जोहार, मोदी जी को जय जोहार, मोदी जी को जय जोहार। हाँ दो बार ना, मुख्यमंत्री जी को जय जोहार, मुख्यमंत्री जी को जय जोहार, हमारे राष्ट्रीय नेता अरुण सिंह जी को जय जोहार, आदरणीय अरुण सिंह जी को जय जोहार। अब मंच पर विराजमान सब नेता मन के जय जोहार, सभी उपस्थित हमर मंच पर विराजमान नेतागण, हमर प्रदेश कर खवैया, हमर आदिवासी कर दुलरुआ बेटा और सब कर चिंता करैया ऐसन सुघर मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी हैं, जोरदार ताली से स्वागत करा भैया बहन। हमार भैया बहन हो, आज यहां हमारे कार्यक्रम ला गति देवे, हमरन के संबल प्रदान करे, हमरन के ताकत देवे के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का साथ में बैठे वाला और हमार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और राज्यसभा में सांसद आदरणीय अरुण सिंह जी हां, जोरदार ताली से स्वागत करा। हमारे अन्य सब नेतागण आदरणीय पुरेंद्र मिश्र जी हैं, ओकरे क्षेत्र में हमें मन है, जोरदार ताली से स्वागत करा। मोतीलाल साहू भैया हां, हमारे अनुज शर्मा जी कलाकार, आदरणीय अनुज शर्मा जी के लिए जोरदार ताली से स्वागत। यहां पे उपस्थित हमार तमाम सारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे समाज का आदरणीय रामनाथ कश्यप भैया जी हैं, आप यहां आ जाएंगे तो अच्छा रहता है, उनके लिए भी तालियां। आदरणीय विकास मनकाम जी, पुरेंद्र मिश्रा जी, हमारे भूपेन्द्र सवनी जी और स्वामी कृष्णामृतानंद जी रामकृष्ण आश्रम नारायणपुर से आए, आदिवासियों के विकास के लिए एक से एक योजना वहां चला रहे हैं, आप सब यहां हैं। हमारे प्रदेश के हमारे मुख्य सचिव बहुत ही सहज सरल और बहुत ही कर्मठ ऐसे व्यक्तित्व के धनी अमिताभ जैन जी, आदरणीय हमारे प्रमुख सचिव हमारे सोनमणि बोरा जी, हमारे संभाग के आयुक्त कावरे साहब, हमारे सचिव नरेंद्र दुगा जी, संस्कृति विभाग के हमारे डायरेक्टर विवेक आचार्य जी, यहां के लोकप्रिय कलेक्टर एसपी
और समस्त जन, तमाम सारे जनप्रतिनिधिगण और समाज कर सब, तमाम सारे मुखिया मन, सब गुनिया मन, बैगा मन, बैगिन मन और नाच हमारे एक से कलाकार, प्रदेश कर कलाकार मन और प्रदेश के बाहर अलग अलग देश से आल हमारे सबे कलाकार मन आज यहां पर उपस्थित हैं। सब कोयला मैं अपन तरफ से जोहार करतो, ओला अभिनंदन करो। भाई बहनी हो, आज ऐतिहासिक क्षण है कि आज ऐतिहासिक क्षण में हमारे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री हर आज अतेक भारी जो है घोषणा करे। आज प्रधानमंत्री हमारा आदिवासी समाज कर आज जो सम्मान देव का काम करे, उमन के विकास के लिए एक से एक योजना चलाए, ये योजना के बारे में हमन सोचे नहीं रही कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आज अतेक भारी 80,000 करोड़ का योजना हमारे आदिवासी मन के विकास के लिए योजना का घोषणा करे। 80,000 करोड़ में ओ हमारे आदिवासी बहुल जो बस्ती है, गांव है, जोन में कि हमारे छत्तीसगढ़ का लगभग 6,500 गांव हमारे अकेले छत्तीसगढ़ का है, यहां का विकास के लिए पूरा योजना बना के काम करो। ओमन के जल जंगल जमीन की समस्या ओकर निराकरण भी हुई, ओकर लिए रोड है, बिजली है, पानी है, सड़क है, स्वास्थ्य से लेकर के उनके लिए अन्य अन्य तमाम तरह का योजना वो सब के लिए और यहां तक कि हमारे बालक और बालिका लोग के लिए अच्छी शिक्षा कैसे मिले ओकर लिए कोचिंग का व्यवस्था से लेकर के उमन के लिए छात्रवास आश्रम के व्यवस्था से लेकर के अनेक योजना आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री और देश के सबसे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से ये योजना पूरा जमीन में उतरे वाला, एक से एक काम होते है। अब ये काम का गति आगे और पकड़े वाला है। अब ऐसे भैया बहनी हो, आज तक हमर चिंता करे वाला, हमर इनका समस्या सुने वाला आज तक कोई नेता पैदा नहीं हो रहे, लेकिन धन्य धन्य ये वसुंधरा का के धरती में अवतारी पुरुष हमर देश का, हमारा आदिवासी समाज का भगवान जैसे अवतार लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे अतिक चिंता करते, ताली बजाओ आया, अतेक चिंता करो थे, कोई सोचे नहीं रही कि विशेष पिछड़ी जनजाति के विकास के लिए 24,000 करोड़ को योजना चलाई, हमारे आदिवासी बस्ती के विकास के लिए ओमन के बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई दवाई सबका चिंता करे वाला आज प्रधानमंत्री जी घोषणा करे। 80,000 करोड़ रुपया दे करके 5 साल में एकर पूरा विकास कर ले, उनके लिए पढ़ाई, उनके लिए कमाई और उनके लिए दवाई, ये तीनों का संगम से ये हमारा आदिवासी समाज समाज के मुख्य धारा में शामिल हुई। अब इसलिए आज भगवान बिरसा मुंडा के प्रति और हमारे समाज कर अन्य जतेक भी एक से एक नेता पैदा हुए, वीरांगना महारानी हमर रानी दुर्गावती हो, रघुनाथ संग्राम सा हो, चाहे हमारे वीर नारायण सिंह जी हो, रानी गाइडलू जी है, ताते मामा हो, जय बुद्धू भगत हो और अनेक अनेक नेता पैदा हो, वो नेता मन के महापुरुष मन के हमर श्रद्धा सुमन जो है यही है कि आज हमर सरकार भारत सरकार और छत्तीसगढ़ कर हमर विष्णुदेव जी का सरकार, इस सरकार में सबके लिए विकास के लिए हमरे मन काम करते, अब ये सब योजना एक से एक चले वाला है। आज एक खुशी की बात है कि आज एक कार्यक्रम के माध्यम से अनेक योजना प्रदेश के बाहर के भी बहुत सारे कलाकार मन आए हैं, अनेक से अनेक गुनिया लोग आए हैं, अनेक से अनेक लोग आए हैं, वो सब के प्रति मैं अपन उन्हें मैं सम्मान देवत हूं, ओकर मैं अभिनंदन करत हूं कि सब आकर के एक कार्यक्रम ला शोभा बढ़ाया, हमारे विभाग के
दिन रात मेहनत करने वाले हमारे अधिकारियों ने किसी प्रकार का कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। संस्कृति विभाग से लेकर के अन्य विभाग, जिला प्रशासन, इन सब के सहयोग से हमारा ये कार्यक्रम जो है इतना सफलता के साथ ये संपन्न हो रहा है। आज ये कार्यक्रम में आज प्रदेश का कोने कोने से आल हमारे समाज के मुखिया लोग, विभिन्न समाज के जुड़े हुए प्रमुख लोग, तमाम सारे अलग अलग उपलब्धियां हासिल करने वाले लोग, वो सब के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और सबसे अधिक हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय हमर विष्णुदेव साय जी का, जेकर कृपा, जेकर आज जो है इस समाज के प्रति लगातार जो है ओकर मिलत है, आशीर्वाद मिलत है, और उनकर आशीर्वाद से ये हमर विभाग का जितना दायित्व है वो पूरा दायित्व के पूरा करते हुए हमर विभाग और जो है उत्तरोत्तर जो है लोगों के विकास के लिए एक से एक जो योजना के लिए जो आप काम सौंपेंगे उसको पूरा ईमानदारी के साथ हमारे विभाग जो है पूरा करे। आज के बस इतने कार्यक्रम में मैं और भी मैं बात कर रखूं, समय की एक अपनी मर्यादा है। मैं सबसे अधिक आदरणीय हमारे देश के प्रमुख हमारे नेता और सांसद आदरणीय अरुण सिंह जी का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर के इस कार्यक्रम में आकर के यहाँ के शोभा बढ़ाया, हम सबका हौसला अफजाई किया, इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और अंत में आप सब के प्रति अपने भावपूर्ण अपना अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन। बोले भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब क्रम है विमोचन का, जिसमें एक CFR एटलस का विमोचन, कैलेंडर और पुस्तक का विमोचन होना है।